पुलिस वाले लुटेरे से सावधान। बिहार में नकली पुलिस वाला बनकर अवैध वसूली करते एक फर्जी पुलिस वाला पकड़ा गया है। वर्दी पहनकर ये पुलिस बनकर लोगों को चकमा देता था, लोगों से वसूली किया करता था, लेकिन इस बार ये वसूली भारी पड़ गई और रंगे हाथ फर्जी पुलिस वाला जो लोगों को लूट रहा था धरा गया। पूरा मामला बिहार के गोपालगंज का है। गोपालगंज पुलिस ने हाईवे NH 27 पर फर्जी पुलिस बनाए एक युवक द्वारा शराब तस्करों और शराबियों से अवैध राशि की वसूली करने के दौरान रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस ने इस युवक के निशानदेही पर चार बाइक सहित 27 पीस अंग्रेजी शराब भी बरामद किया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर यूपी बिहार सीमा पर शराब जांच के नाम पर मोटी रकम वसूली कर रहे हैं। इस आधार पर गठित पुलिस टीम ने छापेमारी की और फर्जी पुलिस वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर कुछ लोग नकली पुलिस बनकर शराब तस्करों को रोकते हैं जाँच के नाम पर और उनको छोड़ने के लिए मोटी रकम की वसूली करते हैं। सूचना के सत्यापन में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जब छापेमारी की गई तो जलालपुर रकबा पैक्स गोदाम के पास दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। उनमें से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है राजन कुमार, पिता आनंद प्रसाद, ग्राम डुमरिया, थाना तरिया सुजान, उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा इसकी निशानदेही पर चार और बाइक को रिकवर किया गया है जिसमें कुल 627 पीस शराब बरामद हुआ है। इसके द्वारा और कई अहम खुलासे किए गए हैं, पुलिस जिसकी जांच कर रही है। तो गिरफ्तार फर्जी पुलिस हाईवे पर अवैध रूप से शराबी और धंधेबाजों से वसूली कर रहा था। फर्जी बना पुलिस उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से फर्जी पुलिस बनकर किसी लोगों के द्वारा वसूली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में आए दिन पुलिस की वर्दी पहनकर कभी कोई नकली दरोगा बन जाता है तो कभी नकली DSP और धड़ल्ले से वसूली का धंधा चला रहे थे, लेकिन इस बार अवैध तरीके से वसूली करना, फर्जी पुलिस वाला बनना इस युवक को भारी पड़ गया और गोपालगंज पुलिस ने रंगे हाथ इसे पकड़ लिया। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।